प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की इस बाइबल स्टडी में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा रखते हैं कि आप सभी खुश होंगे, आनंदित होंगे। इन सभी समय में जरूर आपने परमेश्वर की भलाइयों के और परमेश्वर के आशीषों का अनुभव किया होगा। हम बाइबल स्टडी में आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों में कई सारी बातें हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानी और हम उसी स्टडी में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, यदि कोई आज आपको प्रश्न पूछे कि आप क्रिश्चियन हो, है ना, यदि कोई पूछे कि क्या आप क्रिश्चियन हो, तो बहुत सारे सवाल इस संसार के लिए है जब हमारे अंदर ऐसा कोई सवाल नहीं है, है ना। हमारे अंदर ऐसा कोई सवाल नहीं है कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि पूरा संसार मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को एक धर्म के रूप में देखता है। पर आज हम कई सारी बातें इस विषय में देखने वाले हैं कि कैसे क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है पर एक व्यक्ति है जिसके ऊपर वो बात करती है और हमारा विश्वास किसके ऊपर है वो हम जाहिर करते हैं। जब हम कहते हैं कि हाँ मैं मसीही हूँ तो मैं मेरा विश्वास जाहिर करता हूँ, है ना। तो आइए हम छोटी दुआ करें और आज के विषय में हम आगे बढ़े। आइए सभी लोग आंखें बंद करें। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हो, आप दयालु हो, आप अनुग्रहकारी हो। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह की डिविनिटी, उनकी दैवीयता, वो सब बातें प्रभु हम सीखना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं और उसके लिए पवित्र आत्मा हम आपके ऊपर निर्भर है और हम आपके ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं। प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को और देखने वाले सभी और उनके परिवार को आप क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू में हमें धोकर शुद्ध करें। पवित्र आत्मा, हम आपका पूरा नियंत्रण हमारे ऊपर जाहिर करते हैं। प्रभु, ये टेक्नोलॉजी और इंटरनेट सभी माध्यमों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी असुविधा ना हो, पर पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हो और हमारे सहायक बनिए। प्रभु, आपके वचनों से आज हमारे साथ बात करिए। पवित्र आत्मा, सामर्थी आत्मा, मेरा हृदय, मन, आत्मा, शरीर, प्राण, विचारों के ऊपर मैं आपको नियंत्रण देता हूँ। प्रभु, आज हम सभी के साथ आप बात करिए। हमारी ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, आप सुने और ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्यारो, आज हम परमेश्वर के बारे में जितना भी जानते हैं या जितना भी हम सीखे हैं वो सब इस सृष्टि में हमारे पहले आए हुए सभी परमेश्वर के दासों के ऊपर वो आधारित है। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने अपने बहुमूल्यवान परमेश्वर के दास हमें प्रदान किए ताकि जो कुछ भी आज हम जान पाए हैं परमेश्वर के बारे में वो सब उन्हीं के मेहनत, उन्हीं के सैक्रिफाइसेस का नतीजा है। हम भी उन सभी परमेश्वर के दासों के मेहनत का फल है। आज जो कुछ भी हम जानते हैं वो उनकी मेहनत का फल है कि आज हम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और उन सभी दासों को भी जो अगुवाई करता था वो था परमेश्वर का पवित्र आत्मा। तो क्यों ये मैं बात बताना चाहता हूं? क्योंकि पिछले वर्षों में जब कभी भी लोगों ने परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी जाना परमेश्वर के वचनों से, वो उस टाइम पे उनको जो परमेश्वर से प्रकाशन मिला वो प्रकाशन था रिविलेशन जो उनको मिला। पर रिविलेशन इज प्रोग्रेसिव, है ना, ये हमेशा याद रखिए। रिविलेशन वो प्रोग्रेसिव है, यानी कि समय के अनुसार, जैसे दानियल में बताया गया था कि अंतिम दिनों में ज्ञान बढ़ेगा, तो ये सिर्फ पृथ्वी के विषय में या इस संसार की बातों के विषय में ही नहीं था, है ना, सिर्फ इन संसार के बातों के विषय में ही नहीं था। वो परमेश्वर के वचनों के बारे में भी था, वो परमेश्वर के विषयों के बारे में भी था। ये रिविलेशन इस प्रोग्रेसिव, ज्ञान आज प्रभु के विषय में भी बहुत कुछ बड़ा है। जो पहले के समय में लोग जानते थे उससे कई ज्यादा आज की पीढ़ी प्रभु के बारे में जानती है।
हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं सारी बातों के लिए। देखो, एक मसीही व्यक्ति वो अपने आप में महान है। कैसे? गलातियों 3:29 ऐसा कहती है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम मसीह यीशु में अब्राहम के वंश और जो प्रतिज्ञा उनके साथ की गई थी, जो आशीषें अब्राहम के साथ कवनेंट में जुड़ी थी, वो सारी आशीषें हमें भी प्रभु यीशु मसीह में मिली है। 3 तरीके से एक व्यक्ति महान हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि हम मसीह में ऑलरेडी महान है। कैसे? अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी गई और उसी वाचा में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जुड़ चुके हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह में हम सभी उन आशीषों के वारिस है, ऐसा वचन गलाती 3:29 हमें बताता है। 3 तरीकों से कोई भी इंसान महान बन सकता है। देखो, दाऊद राजा ने एक प्रार्थना की थी, गीत शास्त्र भजन संहिता 71:21 में, कि प्रभु तू मुझे महान बना, है ना, मुझे महान बना। वो ऑलरेडी महान था, वो राजा था, वो कोई आम इंसान नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसी प्रार्थना की। क्यों उन्होंने प्रार्थना की? कि प्रभु मेरी महानता को, इंक्रीज माय ग्रेटनेस, मेरी महानता को तू बढ़ा। वो ऑलरेडी महान था, पर फिर भी उन्होंने प्रार्थना की। जब हम प्रभु यीशु मसीह में है, देखो तीन तरीके है जिससे एक व्यक्ति महान हो सकता है। 1, वो महान जन्म ले। 2, उनके ऊपर महानता, when greatness is bestowed on someone, यानी कि कोई ऐसा पावर या ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई व्यक्ति उनको अधिकार दे, उनको सामर्थ्य दे और वो महान बने। और 3, व्यक्ति अपने आप में मेहनत करके कुछ हासिल करके महान बने। 3 तरीके हैं, जबकि मसीही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में वो अपने आप में, जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने प्राप्त किया, उनका स्वीकार किया, तो एक अपने आप में वो महान हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह की महानता उनके ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह की महानता उनके द्वारा प्रकट होती है। व्हाट इट इज टू बी अ क्रिश्चियन, मसीह होना क्या है? सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। आज संसार में लोगों को लगता है कि मसीहत, क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, पर मैं आंखें खोलना चाहता हूं कि मसीहत कोई धर्म नहीं है। जब हम समझते हैं या ऐसा बोलते हैं कि मसीहत एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, तो हम बहुत ही बड़ी एक गंभीर भूल करते हैं। इट्स अ सीरियस मिस्टेक व्हेन वी से क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन। वो एक धर्म नहीं है, मसीहत एक जीवन शैली है जो मसीह ने हमें जीना सिखाया है, जो पवित्र शास्त्र हमें जीना सिखाती है। मसीहत वो धर्म नहीं है। पवित्र शास्त्र यदि आप उत्पत्ति से लेकर रिवीलेशन तक पढ़े, तो कहीं पे भी पवित्र शास्त्र बाइबल मसीहत को एक धर्म के रूप में पेश नहीं करती है, है ना। पूरे संसार के अंदर यदि आप गूगल पे जाएंगे और नो रिलीजियस, नंबर ऑफ रिलीजियंस इन द वर्ल्ड ऐसा टाइप करेंगे, 4,300 से भी ज्यादा पूरे संसार में आज धर्म है। कितने? 4,300 से भी ज्यादा। पर मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि मसीहत कोई धर्म नहीं है, हम उसमें नहीं है। मसीहत कोई धर्म नहीं है। देखो, धर्म में क्या होता है? धर्म में इंसान परमेश्वर को खोजता है, है ना, ढूंढता है कि परमेश्वर कहाँ है, कौन है परमेश्वर। हर एक धर्म में इंसान परमेश्वर की खोज कर रहा है, परमेश्वर को पाना चाहता है, परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है कि परमेश्वर तू कौन है, मुझे प्रकट कर, है ना, ऐसी प्रार्थना। यदि और उसी एक्टिविटीज में उसके कारण कई सारी एक्टिविटीज वो जोड़ देता है, ऐसी विधियां, ऐसी बातें जिसके द्वारा वो परमेश्वर को खुश करे, है ना। जबकि मसीहत जिसके ऊपर टिकी हुई है वो एक इंसान है, एक विश्वास है,
है ना, उस व्यक्ति के प्रति। और मसीहत में लोगों ने अब परमेश्वर को पा लिया है, लोग वो परमेश्वर को जान चुके हैं कि हाँ ये है परमेश्वर, ये है पूर्ण परमेश्वर। कैसे मसीहत इस संसार के धर्मों से अलग है? एक व्यक्ति जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, आज हम जानना चाहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह कौन है। हम बाइबल के माध्यम से, पवित्र शास्त्र के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहती है, पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है। देखो, हमारा व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन ही इस संसार में हमें अपने आप को इस संसार के लोगों से अलग करता है, क्योंकि हमने बात की महानता की, है ना, महानता की। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप व्यक्तिगत रीति से जो जानते हो वो ही आपको अलग करता है, वही आपको कुछ अलग बनाता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम इस संसार को नहीं बता पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आइए हम जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और पवित्र शास्त्र बाइबल उनके बारे में क्या कहता। जरूर ऐतिहासिक रूप में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है और इतिहास उसका दावा करती है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के डिविनिटी के बारे में, उसकी दैवित्य के बारे में। ऐतिहासिक तौर पर कई लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। प्यारो, एक व्यक्ति इस संसार में आता है और इस संसार में जब वो जन्म लेता है तो इस समय नहीं, ये संसार में यदि हम सभी बातों को जोड़े तो समय से उनको आधारित किया जाता है, समय से उनका हम समय से सब बातों को जानते हैं। वो इंसान जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उन्होंने जन्म लिया, समय के दो भाग हो गए, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी, है ना, बीसी एंड एडी वैसे हम जानते हैं। तो समय के मध्य में जो खड़ा है वो है प्रभु यीशु मसीह। तो जब भी इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से किसी भी चीज की बात करे, किसी के बारे में बात करे, तो उनको समय को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना, कि ये व्यक्ति इस संसार में इस समय में आया, ये मैं इस समय की घटना की बात कर रहा हूं, यानी कि समय को स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब भी आप कुछ बात करें। एक इंसान इस सृष्टि पर आता है और समय के दो भाग हो जाते हैं। देखो, प्रभु यीशु मसीह हमेशा सभी चीजों के मध्य में, केंद्र में होते हैं, है ना, हमेशा वो केंद्र में है। हम एक वचन जानते हैं ना, जब भी दो या उससे ज्यादा लोग मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं रहूंगा, जो ओरिजिनल वर्ड है उसका अर्थ होता है उनके केंद्र में मैं रहूंगा, मध्य में, सेंटर में मैं रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमेशा सदा के लिए कोई भी चीजों के मध्य में होगा, सेंटर में होगा। और इससे ही एक बात मैं जोड़ता हूँ, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नाम, कोई भी बात यदि यीशु मसीह को साइड ट्रैक करता है, उसको साइड में करता है, तो वो डिसेप्शन है, वो दुर्मत है, है ना। प्रभु यीशु मसीह को जब साइड ट्रैक करके कोई भी प्रार्थना आए, कोई भी नाम आए, कोई भी इंसान आए जो प्रभु यीशु मसीह को हटाए, तो वो दुर्मत है, वो डिसेप्शन है, क्योंकि यीशु सब चीजों का केंद्र है, सब चीजों के मध्य में प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। इसीलिए जब वो संसार में अवतरित हुए तो समय के दो भाग हो गए, बिफोर क्राइस्ट एंड उनके जन्म के बाद का समय, है ना, समय के दो भाग हो गए। तो ऐतिहासिक रूप से भी उनका बहुत ही बड़ा महत्व है। यहूदी लोग नहीं, हम जानते हैं कि जब वो संसार में आया तो वो इसराइल में पैदा हुआ और एक यहूदी के तरह, तो कई लोग, अलग अलग लोग यीशु के बारे में अलग अलग बातें कहते हैं। किसी के लिए वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, किसी के लिए वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, किसी के लिए यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने खाना खिलाया, खाना को भोजन को मल्टीप्लाई किया और हजारों की संख्या में लोगों को खिलाया। कई लोगों के लिए यीशु एक छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, पर आपके लिए यीशु मसीह कौन है वो आपको
आपका व्यक्तिगत प्रकाशन होना चाहिए, आपका व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लोग कहते हैं कि, और इतिहास भी इसका दावा करता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने कई चमत्कार किए, उनके ऊपर कई ऐसे, जब वो जिंदा था उनके ऊपर ऐसे कई आरोप लगाए गए, उनको सलीब के ऊपर मार दिया गया, उनको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो फिर से पुनः जीवित हो गया, है ना, रेजरेक्टेड, जीसस क्राइस्ट वाज रेजरेक्टेड, वो फिर से पुनः जीवित हो गया, फिर से मृत्यु में से जी उठा। और इतिहास इसका दावा करती है, इतिहास इसका नोट लेती है, वो पुनरुत्थान हुआ, फिर से जिंदा हुआ। तो प्रश्न ये होता है कि यदि वो फिर से जिंदा हुआ तो आज यीशु मसीह कहाँ पर है? इस प्रश्न को अभी हम यहाँ पर रखेंगे, आने वाले समय में इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें उस विषय पर हम जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अलग अलग लोग यीशु के बारे में अलग अलग विचार या अलग अलग सोच रखते हैं, है ना। पर हम आज कोशिश करना चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है। आइए निकालिए मेरे साथ इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और पहली आयत से तीसरी आयत तक हम पढ़ना चाहते हैं। यदि आपने इसके पहले के हमारी बाइबल स्टडी के जो वीडियोस है वो नहीं देखे, आप कृपया वो देखिए, ताकि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हम, जैसे कि परमेश्वर का पुत्र, है ना, सन ऑफ गॉड ऐसा कहेंगे तो उसका अर्थ क्या है जब हम बोलेंगे, तो वो आपने यदि वो सुना है तो यहाँ पर आप जुड़ पाओगे और समझ पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, है ना, पुत्र कौन है, वो जब आप सुनोगे तो ही इसमें आप ज्यादा अच्छे से इन बातों को समझ पाओगे। ओके, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय और पहली आयत से, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से, यानी कि अलग अलग प्रकार से, भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। यानी कि पूर्व युग ने परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में, ध्यान रखिए, इन अंतिम दिनों में, देखो बहुत बार लोग आज अंतिम दिनों की बात करते हैं ना, अंतिम दिनों की बात, और लोग कहते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। पर परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली थी जब ये वचन मैंने पढ़ा था और उसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा था। प्यारो, इन अंतिम दिनों में, दूसरी आयत, इन अंतिम दिनों में हमसे, यानी कि अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, सही बात है, पर अंतिम दिनों की शुरुआत जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे तब से वो शुरुआत हो चुकी है, तब से वो शुरुआत हो चुकी है। इन अंतिम दिनों में हमसे किसके द्वारा बातें की? पुत्र के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के द्वारा हमसे बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। कौन सी सारी वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? उसी के द्वारा, यानी कि यीशु के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। प्यारो, ध्यान रखिए, ये किसके विषय में बात कर रहा है? पुत्र के विषय में, यानी कि यीशु के विषय में, यीशु मसीह के विषय में। परमेश्वर ने इस व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, यीशु मसीह को सभी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और इसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि की रचना की। जो सृष्टि शब्द है ना, हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, सृष्टि शब्द है वो है, ओरिजिनली ग्रीक शब्द है इयोन्स, इयोन्स उसका अर्थ है कोर्स ऑफ लाइफ, एजिस या यूनिवर्स, द मोर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है, जो सबसे अप्रोप्रिएट शब्द है वो है यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड, और वो एक वचन नहीं है पर बहुवचन के, बहुवचन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक ब्रह्मांड नहीं पर अनेक, और ऐसा भी कह सकते हैं अनगिनित, क्योंकि इंसान उनको गिन नहीं पाया है, अनगिनित ब्रह्मांड, यूनिवर्स। इस व्यक्ति यीशु मसीह जिसकी हम बात कर रहे हैं,
उसके द्वारा सारी सृष्टि की यानी कि सारे ब्रह्मांड की, जितने भी ब्रह्मांड है उस सभी ब्रह्मांडों की सृष्टि इस व्यक्ति ने की जिसका नाम है यीशु मसीह। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का पुत्र, जो पुत्र जिसका जिसके विषय में ये वचन बात कर रहा है, उस यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि की रचना की। वो खुद सर्जन नहीं है, वो हम देखेंगे वो खुद उसमें नहीं है, पर उसके द्वारा रचाया गया है, उसके द्वारा सब कुछ सर्जन हुआ है। तीसरी आयत, वह उसकी यानी कि परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह यानी कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, उसकी महिमा का प्रकाश, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, उसका जो ओरिजिनल अर्थ होता है वो है कैरेक्टर, चरित्र, व्यक्तित्व, परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर का चरित्र। यीशु मसीह वो परमेश्वर का चरित्र है, प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का व्यक्तित्व को प्रकट करता है, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश यानी कि उसका कैरेक्टर, परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का चरित्र, और उसके तत्व की छाप है। जीसस यीशु मसीह वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का विजिबल रिप्रेजेंटेशन है। यदि इस संसार में एक्सप्रेस इमेज भी बोल सकते हैं ना, जो परमेश्वर को प्रकट करे वैसा व्यक्तित्व, जो परमेश्वर को इस संसार के ऊपर प्रकट करे वैसा व्यक्तित्व, एक इंसान जो परमेश्वर को प्रकट करता है, और सिर्फ प्रकट ही नहीं करता है, वो अपने आप में परमेश्वर है, वो हमने देखा भी है और आने वाले समय में भी हम देखेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश यानी कि उसका कैरेक्टर और उसके तत्व की छाप है। इसका मतलब है यदि कोई दावा करे, यदि कोई कहे और यदि कोई परमेश्वर को देखे तो वो यीशु मसीह ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि कोई कहे कि मैंने परमेश्वर को देखा है, इफ यू आर गोइंग टू सी गॉड यू विल सी जीसस, और यदि आपको परमेश्वर को देखना है, लुक एट जीसस। यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हो, नहीं, वो परमेश्वर के महिमा का प्रकाश है। देखो कोई भी चीज आज हम देखते हैं, देखो ये हम पेन को देख पाते हैं, ये इसलिए देख पाते हैं कि इसके ऊपर प्रकाश है। यदि यहाँ अंधियारा हो जाए, प्रकाश चला जाए, ये थोड़ा साइंस है पर सिंपल फॉर्म में हम समझते हैं, साइंस भी परमेश्वर की रचना है ना, यानी कि जो जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है उसको सिर्फ साइंस प्रकट कर रहा है, साइंस कुछ नया नहीं उत्पन्न कर रहा है ना, सिर्फ प्रकट कर रहा है। यदि इसको मैं देख पा रहा हूँ, हम देख पा रहे हैं पेन को, तो ये इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर प्रकाश है ना। यदि इसके ऊपर प्रकाश ना गिरे तो हम इसको देख नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है जो उसको प्रकट करता है। कुछ भी चीजें हम देख पा रहे हैं वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर प्रकाश है, एक प्रकाश गिरता है तभी हम उसको देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, यानी कि वो ही प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर को प्रकट करता है। आज हम सभी लोग फोन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, पर यदि देखो आप फोन में, यदि आपको व्हाट्सएप, नहीं सबसे ज्यादा सब लोग यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप को, यूज करना है व्हाट्सएप में आप नहीं मैसेज कर पाते हो, कॉल कर पाते हो, वीडियो कॉलिंग कर पाते हो। यदि आपको व्हाट्सएप के द्वारा किसी से जुड़ना है, किसी से बात करनी है, तो सबसे पहले फोन में क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप का जो आइकॉन है ना, आइकॉन जो होता है उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आप व्हाट्सएप जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, व्हाट्सएप जो करता है, जो काम व्हाट्सएप के द्वारा होता है वो आप कर पाओ। तो वो क्या है, आइकॉन जिसको हम बोलते हैं ना, कोई भी एप्लीकेशन को यदि आपको यूज करना है तो उसके आइकॉन के द्वारा उस एप्लीकेशन में आप जा सकते हो और वो एप्लीकेशन को आप यूज कर पाते हो। आगे बढ़ते हैं, कलुशियों की पत्री उसका पहला अध्याय आप निकालिए मेरे साथ, कलुशियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 15वीं आयत हम पढ़ेंगे, पर मैं आपके लिए 14वीं आयत से पढ़ता हूँ। कलुशियों की पत्री
उसका पहला अध्याय और 14वीं आयत से। हम 15वीं आयत देखेंगे पर किसके विषय में ये बात है इसीलिए। ओके, 13वीं आयत से, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, प्रिय पुत्र के यानी कि यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिसमें मतलब यीशु मसीह में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये किसके बारे में वह बात की गई है? यीशु के बारे में। अब आगे 15वीं आयत, वह तो यह यीशु मसीह, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हमारा परमेश्वर वो अदृश्य परमेश्वर, इस संसार का परमेश्वर वो अदृश्य परमेश्वर परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। पर यह यीशु मसीह, यानी कि रिविलेशन प्रोग्रेसिव है, समय आने पर जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ और ये रिविलेशन जब लोगों को मिला, वह यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, यानी कि जिस परमेश्वर को हम देख नहीं पा रहे थे। यदि पुराने नियम में आप देखो और पुराने नियम में पढ़ो तो आप परमेश्वर के बारे में कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई भी ऐसा रूप आपको मिलेगा नहीं, कोई भी ऐसी बातें आपको मिलेगी नहीं कि आप कह सको कि परमेश्वर ऐसा ही है, परमेश्वर वैसा ही है। हम कुछ कुछ बातें जान पाएंगे कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर दयालु है, पर कई बार आपको लगेगा कि परमेश्वर तो क्रोध करने वाला परमेश्वर है। बहुत सारी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सीरीज इन दिनों में बहुत चल रही है और लोग देख रहे हैं, द चोजन सीरीज है ना, उसकी एक बात मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो राबी था उसमें निकोदेमस को बताया गया और वो कहता एक धुंधला सा मिरर है ना, मिरर देखता है और उसमें अपनी वाइफ को दिखाता है, कहता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है। वो मिरर अच्छा नहीं था, पूरा धुंधला था, यानी कि यदि आप उसके सामने खड़े रहोगे तो आप कुछ भी अच्छे से देख नहीं पाओगे, अंदर क्या दिख रहा है आप बता नहीं पाओगे। और ऐसे धुंधले से मिरर के सामने वो अपनी पत्नी को लाता है और कहता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है। वो ऐसे हंस कर कहती है, ये तो खराब धुंधला मिरर है, क्या दिखेगा कुछ है। वो कहता है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर के विषय में भी हम ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि पुराने नियम से आप परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकते उसको, पुराने नियम से कोई भी नहीं कह सकता कि परमेश्वर ऐसा ही है। जब तक प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के ऊपर जन्म ना लिया, परमेश्वर जब तक देहधारी ना हुआ, वचन जब तक देहधारी ना हुआ, परमेश्वर के विषय में कोई भी नहीं कह सकता था। पर जब यीशु मसीह संसार में आया, वो परमेश्वर जब मनुष्य बना, मसीहत यही तो है कि परमेश्वर मनुष्य बना और वो परमेश्वर जिसने देह धारण किया, उस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर, वह यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। यहां जो प्रतिरूप शब्द है वो ओरिजिनल शब्द है आइकॉन, इसीलिए हमने आइकॉन की बात की है ना, जो हम व्हाट्सएप यानी कि फोन में या लैपटॉप में जो एप्लीकेशन सब यूज करते हैं, यदि उस एप्लीकेशन में आपको जाना है तो आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करते हो और उसके बाद उस एप्लीकेशन में जाते हो और सब कुछ आप कर सकते हो। यहाँ जो शब्द है प्रतिरूप वो है आइकॉन। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, यानी कि यदि आपको परमेश्वर को देखना है तो उस आइकॉन को ही देखना पड़ेगा। यदि आपको परमेश्वर के साथ संबंध में रहना है तो उसी के द्वारा रह सकते हो। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में था तो उन्होंने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। मेरे बिना, उस आइकॉन के बगैर, उस आइकॉन के ऊपर जाकर उसके ऊपर क्लिक किए बिना आप उस एप्लीकेशन में नहीं जा सकते। उसी तरह यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना मेरे बगैर कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, मेरे बिना कोई भी परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकता, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है ना, इमेज। जीसस क्राइस्ट इज द विजिबल इमेज। देखो, पहले हमने देखा कि परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर आत्मा स्वरूप है,
उसको किसी ने नहीं देखा, पर जब प्रभु यीशु मसीह आया उसने उस अदृश्य परमेश्वर को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का अदृश्यमान रूप है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। जो अदृश्य परमेश्वर था उसकी इमेज, उसको जो उसका जो प्रतिरूप है वो यीशु मसीह है। और दूसरी एक बात आके लिखी है कि और सारी सृष्टि में पहलोठा। यहाँ जो पहलोठा शब्द है यानी कि सब कुछ, जब कुछ नहीं था, हमने पहले देखा था नहीं, आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। आदि में यहुन्ना एक और एक, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था और वही आदि में परमेश्वर के संग था। यानी कि जब कुछ नहीं था तो परमेश्वर वहां पर मौजूद था, जब कुछ नहीं था तो यीशु मसीह वहां पर था, वही और सारी सृष्टि में पहलोठा। ये जो पहलोठा शब्द है उसके दो अर्थ होती है। उसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है फर्स्ट बोर्न, पर उसका अर्थ नहीं है कि वो उन्होंने जन्म लिया या उसको सृजा गया, ऐसी बात नहीं। वो आदि में था, जब कुछ नहीं था तब वो यीशु मसीह वहां पर मौजूद था। और पहलोठा शब्द तब भी यूज किया जाता है जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो पुनरुत्थान को भी प्रकट करता है, वो हम आगे वचनों में देखेंगे। सारी सृष्टि में पहलोठा है, फर्स्ट बोर्न, प्री एमिनेंस भी बोल सकते हैं, यानी कि पूर्व प्रख्यात, पहले से ही कीर्तिमान, जब कुछ नहीं था तब वो था, वो प्री एग्जिस्ट है ना, वो पहले से अस्तित्व रखता है। ये यीशु मसीह के बारे में बात की है यहाँ पर। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, सारी सृष्टि में वो प्रथम है, जब कुछ नहीं था तब प्रभु यीशु मसीह था। आगे 16वीं आयत, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। देखो, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की, यानी कि उसी के द्वारा, उसी में प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, सबकी रचना उसी के द्वारा हुई, यानी कि यीशु मसीह सृष्टि करता है। वहां पर आप लिख सकते हो क्रिएटर इज द क्रिएटर एंड नॉट क्रिएशन। यीशु मसीह सृष्टि करता है क्योंकि उसी में, यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, जो हम नहीं भी देख पाते, स्वर्ग की या फिर पृथ्वी की, जहां हम रहते हैं और सारी चीजें हम देख पा रहे हैं, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी। देखो, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, पहाड़ है, पर्वत है, पेड़ है, हमारे घर में जो भी चीजें हैं हम देख सकते हैं, घर हम देख सकते हैं, व्यक्ति लोग हम देख सकते हैं, पर स्वर्गदूत हम नहीं देखते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्गदूत नहीं है। सराफिम, कैरुबिम्स, बहुत नहीं, सराफ, करूब, बहुत सारी जो हेवनली चीजें हैं, हेवनली बातें हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। हमारे आसपास भी जो आत्मिक दुनिया है, आत्मिक जगत है, वो हम नहीं देख पाते हैं। यहाँ वचन क्या कहता है, देखी या अनदेखी सारी किसने सृष्टि की, प्रभु यीशु मसीह ने। आगे, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताए, क्या प्रधानताए, क्या अधिकार, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये पावर को दर्शाते हैं ना। सिंहासन पावर को, ऑथोरिटी को बताता है ना। प्रभुताएं वो ऑथोरिटी बताता है, प्रधानताएं ऑथोरिटी को बताता है। देखो, जितने भी देश आज पृथ्वी पर है सबके ऊपर एक गवर्नमेंट राज करती है, और जो सिंहासन ने जो अधिकार वहां पर होता है, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट, वो प्रधानताएं, सारे प्रधानताएं और अधिकार, जो भी अधिकार उनको मिले हैं। यहाँ वचन क्या कहता है, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताए, क्या प्रधानताए, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। ये सिंहासन, प्रधानताए, प्रभुताए, अधिकार, वो क्या दर्शाता है, पावर, ऑथोरिटी। मतलब यीशु मसीह इज ऑल पावरफुल, सुप्रीम ऑथोरिटी है ना, सुप्रीम ऑथोरिटी। यहां पर आप लिख सकते हो प्रभु यीशु मसीह सर्व सामर्थी है, इंग्लिश में लिख सकते हो ऑल पावरफुल, सुप्रीम, सुप्रीम ऑथोरिटी है ना। आगे, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, उसी के द्वारा और उसी के
लिए। यहां वचन क्या कहता है, ही इज द ओनर, उसी के द्वारा और उसी के लिए। यदि मैं कहूं कि ये कार मेरी है, ये मेरे लिए है ना, ये खाना मेरे लिए है, ये पेन मेरे लिए है, यानी कि मैं जाहिर करता हूं कि मेरा अधिकार है इसके ऊपर, मैं इसका मालिक हूं। पजेशन इज द पजेशन, है ना, वो मालिक है। इस संसार में कई लोग सबका मालिक है ना। यदि वो कोई कहता है मालिक, तो वो यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई मालिक नहीं है। जब भी कोई कहे कि मेरे मालिक, तो वो यीशु मसीह है ना, मालिक वो सब चीजों का, देखी या अनदेखी, जितनी भी सृष्टि की गई है वो सब उसी के द्वारा और उसी के लिए सृष्टि की गई है, यानी कि वो ओनर है सारी चीजों का, देखी और अनदेखी, सभी सिंहासन, प्रभुताय, प्रधानताय, अधिकार, सारी सृष्टि की गई चीज वस्तुओं का, सभी बातों का वो ओनर है, मालिक है। 17वीं आयत, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही हमने देखा, वो प्रथम है ना, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, इस रीति से वो प्रथम है, ना कि उनको सृजा गया है ना। ये क्लियर कर लो प्यारो, अपने आप अपने मन में, अपने हृदय में, वो प्रथम इस रीति से है कि उसके द्वारा सब कुछ सृजा गया है, उसको नहीं सृजा गया पर उसके द्वारा सब कुछ सृजा गया है। अब वचन को ध्यान से पढ़िए, उसी के लिए और उसी के द्वारा सब कुछ सृजा गया है ना, उसको किसी ने नहीं सृजा, उसको किसी ने नहीं बनाया, पर उसने सब कुछ बनाया है ना। वही सब वस्तुओं में प्रथम, इस रीति से वो प्रथम है कि उसके द्वारा सब कुछ सृजा गया। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, यानी कि ही इज अ सस्टेनर, जितनी भी चीजें हैं उसका वो सस्टेनर है, उसका वो निभाने वाला है, उसका वो निभाव करता है। इसीलिए अयुब के विषय में आप जानते हो है ना, जोब के विषय में आप जानते हो, परमेश्वर उसको कहता है, जब मैंने ये सारे सृष्टि सृजी तब तू कहाँ था, जब मैंने पृथ्वी उसको हवा में टंगाया है, उसको कौन निभाता है पृथ्वी को, पृथ्वी हवा में लटकी हुई है ना, पृथ्वी हवा में लटकी हुई है। एक बात में यहाँ मुझे याद आती है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिसने पहली बार, और दूसरे भी दो लोग थे, एक व्यक्ति यान में था, पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा एक व्यक्ति, उसका नाम मैं भूल गया, वो उन्होंने चंद्रमा पर, चंद्र की भूमि पर उन्होंने पैर रखा। जब वो चंद्रमा पर उतरे, उन्होंने पृथ्वी को देखा और आसपास के ब्रह्मांड को देखा, जो भी जो अंतरिक्ष वो देख पा रहे थे उन्होंने देखा। और जब उन्होंने पृथ्वी को देखा, एक शब्द उनके मन में आया कि अद्भुत, इसको बनाने वाला कितना अद्भुत। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पृथ्वी चंद्र से जो पहला वर्ड जो उनके मुंह से निकला था, जब उन्होंने पृथ्वी को देखा, चंद्र के ऊपर से पृथ्वी को देखा, उन्होंने कहा कि इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर कितना अद्भुत, क्योंकि वो अब उनकी रचना को देख रहा था है ना, वो उनकी रचना को देख रहा था, और वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बनाई। वचन ऐसा कहता है, बाइबल पवित्र शास्त्र ऐसा कहती है। और पृथ्वी को हवा में टंगाया गया है, वो उसने देखा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, कि कोई आधार नहीं है, कुछ नीचे नहीं है, कुछ ऊपर नहीं है, और बिना कोई आधार पृथ्वी ऐसे ही हवा में लटकी हुई है और घूम रही है ना। वो सारी रचना उन्होंने देखी और वो कहता है कि इसका बनाने वाला कितना अद्भुत, कितना अद्भुत। वो सस्टेनर है, वो निभाने वाला है। यारो, जब भी आप कुछ नहीं संभाल सकते हो अपने जीवन में, निभाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उनके ऊपर अपनी आंखें, अपनी निगाहें रखना और उसके ऊपर अपना भरोसा रखना। इसीलिए वचन कहता है कि मनुष्यों के ऊपर भरोसा करने से बेहतर है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वो ही निभा सकता है, हम नहीं निभा पाएंगे, रिश्तों को हम नहीं निभा पाएंगे, पर वो निभा सकता है, उसके ऊपर भरोसा रखिए। आपकी जॉब में जब आपको लगता है कि नहीं, परिस्थितियां विकट हो रही है, मैं नहीं संभाल रहा हूँ, नहीं, ये स्ट्रेस को मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, ये बर्डन को मैं नहीं संभाल रहा हूँ, नहीं संभाल पा रहा हूँ, वो निभाने वाला है, वो संभाल सकता है, उसके ऊपर भरोसा रखिए। ही इज द सस्टेनर, वो निभाने वाला है। 17वीं आयत, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वो ही है जो हमें स्थिर रह कर सकता है और स्थिर रख सकता है। सारी सृष्टि को उसी ने स्थिर रखा हुआ है, उसी ने कायम किया हुआ है। स्थिर रखा मतलब
उनके द्वारा ही वो सब बातें निभी हुई है, टिकी हुई है। यदि यीशु मसीह अपना यीशु मसीह को आप निकाल दो तो कुछ नहीं रहेगा, है ना। उसी के द्वारा सब कुछ टिका हुआ है। He is the sustainer। 18वीं आयत, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, मतलब He is the head of body, the church। देखो आज कोई भी, हम सब हर एक विश्वासी को मिलाकर, विश्वासियों का समूह उसको चर्च कहते हैं, ना ही बिल्डिंग को। आज हम इस माध्यम से जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग हम मिले हैं, जितने भी लोग आज विश्वास रखते हैं पर प्रभु यीशु मसीह पर, वो परमेश्वर की कलीसिया है ना, वो चर्च है, ना कि बिल्डिंग, है ना। यहाँ पर वचन कहता है कि वही देह, यानी कि कलीसिया की बात हो रही है ना, कलीसिया का सिर है, कलीसिया का सिर सार्वजनिक वर्ल्ड वाइड जितने भी मसीही लोग हैं उनका जो सिर है, उसका जो हेड है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आज कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि ये मेरे लोग, या आखिर में सब लोग यीशु के हैं, सब लोग यीशु के हैं। कभी भी ऐसी नहीं, हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो मेरे लोग, पर आखिर में वो यीशु मसीह के लोग हैं, क्योंकि उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया, सार्वत्रिक जो कलीसिया है, उसका हेड, उसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, यानी कि वो ही है, अधिकार है, वो ही कलीसिया में जो कुछ भी करना है वो तय करता है, कलीसिया में जो कुछ भी होना है वो तय करता है। जो सेवक लोग हैं वो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, हम उनके दास हैं। जितने भी प्रभु के जितने भी अच्छे सेवक सेविकाएं हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, पर जो हेड है, जो सिर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया का वो सिर है। देखो सिर इसलिए बोल रहे हैं कि समझे हम, है ना, हमारा जो शरीर है, आपको पता है क्यों जब कोई इंसान को ऐसे फांसी दी जाती है तो गले में ऐसा फंदा लटका कर उनको मार, वो एक्चुअली क्या होता है पता है, जो ब्लड है जो सर्कुलेट हो रहा है दिमाग में, हेड में, जब वो ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो इवेंचुअली समय जाते इंसान की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी सिर काम नहीं करेगा, सिर में जो ब्लड जाता था और ब्लड के बिना वो सिर काम नहीं करेगा, जो अंदरूनी जो काम होता है वो काम नहीं करेगा और इवेंचुअली व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ये भी आपने देखा होगा, सिर्फ मूवी में देखा होगा, है ना, कि किसी इंसान को जब मारने की ऐसा मूवी में ऐसा हम देखते हैं कि उनका सिर अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सिर जब अलग हो जाता है तो अपने आप में वो जो शरीर है वो डेथ हो जाएगा। जो हमारे हाथ ऐसे मूव करते हैं, है ना, हम कुछ रात में हम नींद में भी नहीं, हमारा अर्ध जागृत मन है वो जागृत रहता है, हमारा जो सिर है उसके द्वारा ही बॉडी में ऑर्डर जाता है और ये शरीर, हाथ, पैर, आंख, ये सब काम करती है। तो ये जो देह है, कलीसिया है, वो देह है, पर ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये कलीसिया जो देह है उसका सिर जो है, उसका जो ऑर्डर देने वाला है या इसके ऊपर जो अधिकार रखता है, जो अधिकार चलाता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। He is the head, वो कलीसिया का सिर है। आगे, वही आदि है, यानी कि वो ही प्रथम है। He is the alpha, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, फर्स्ट बोर्न, पहलोठा, इस सब बातों में वही प्रधान ठहरे। इज द हेड ऑफ एवरीथिंग, सब बातों में प्रधान, जो भी इस संसार में है, जो भी पूरे ब्रह्मांड में है, सब में, सब बातों में वही प्रधान है। और यहां तक कि जब पुनरुत्थान की बात होती है, देखो पहलोठा शब्द यहां भी यूज किया गया है, मैंने इसीलिए बोला था कि वो पुनरुत्थान के भी साथ जुड़ा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे या प्रभु के दास जैसे कि एलिया, एलिशा, वो जब हो गए, कई लोगों को उन्होंने मृत्यु में से जिलाया, है ना। पर यदि आप इतिहास को देखें तो जो भी लोग को जिलाया गया था वो बाद में तो मर गए, मृत्यु पाए, है ना। लाजरस को जिलाया गया था पर बाद में समय आते वो मर गया, फिर से मर गया, है ना। पर प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, उनको दफनाया गया, फिर वो मृत्यु के ऊपर से जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, उसकी कभी मौत नहीं हुई। पहले तो उनको कोई मार नहीं सकता, वो उन्होंने वचन कहता है 15 अध्याय 10वें यूहन्ना 10वें अध्याय में आप देखो, तो
मैं अपने आप अपना अपना प्राण देता हूं और मैं उसको वापस भी लूं, ताकि मैं वापस भी लूं। पर पुनरुत्थान यदि हम बात करें तो प्रभु यीशु मसीह वो अनंत कालिक जीवन का पहलौठा है। ही इज द फर्स्ट बोर्न। जब फर्स्ट बोर्न शब्द कहीं पे भी आया है, पहलौठा है ना, गीतशास्त्र 2 और उसमें भी ये बात, गीतशास्त्र 2 अध्याय में भी ये बात लिखी गई है ना। पर वहां पर लोग गलती क्या करती है, समझने में गलती क्या करते हैं कि उनको पहले रचा गया और उसके द्वारा सब कुछ रचा गया। नहीं, उसका जो अर्थ है वो है ही इज द फर्स्ट। वो है, देखो सब कुछ रचने के लिए कोई तो होना चाहिए, तब सब कुछ रचा जाएगा, है ना। और अनंतकालिक जीवन की जब हम बात करते हैं, हमारा भी अनंतकालिक जीवन है ना। पास्टर अमित ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बहुत सारी बातें अच्छे से आपको सिखाई है। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, उनका दूसरा आगमन है ना, तब वो सीधा पृथ्वी पर नहीं आएगा, है ना। पहले कहाँ आएगा, आकाश में, बादलों में। और वहां से, वहां पर जब वो आएगा क्या होगा, तुरही वो फूकी जाएगी, उनका आगमन होगा और ऐसे आंख के झपकते ही है ना, पलक के पलकते ही सबसे पहले क्या होगा, हम जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे पहले। जो जिंदा है वो नहीं, जिंदा है और मसीह में है वो नहीं। पहले क्या होगा, जो कब्रें हैं उसमें जो मसीह में मरे हुए हैं वो उठेंगे, जी उठेंगे, है ना। उनका पुनरुत्थान होगा और उनको एक नया आत्मिक शरीर मिलेगा और वो बादल में यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। और दूसरी बारी हमारी है, जो जिंदा है और प्रभु यीशु मसीह में है, उनका जो ये शारीरिक शरीर है वो आत्मिक शरीर में रूपांतर होगा और प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। तो ये जो आत्मिक शरीर का, अनंतकालिक शरीर का जो रूपांतरित है, उसमें जो प्रथम है वो भी प्रभु यीशु मसीह, वो भी प्रभु। यहाँ पर ये जो पहलौठा शब्द है वो इस रीति से है ना, पुनरुत्थान पाया हुआ शरीर अनंतकालिक जीवन का, क्योंकि वो अपने आप में जीवन रखता है। ये सारी बातें, मेरा एक मैसेज है जीवन क्या है, उसमें वो बातें मैंने कही है ना। यदि इसको अच्छे से समझना है तो आपको वीडियो को देख सकते हैं। पहलौठा, वही आदि है, वो पहले था, वही पहला है, वही आदि है, वही प्रथम है, जब कुछ नहीं था, ही इज द बिगिनिंग, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में भी वही पहलौठा है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, ही इज द हेड ऑफ एवरीथिंग। तो जो बातें हमने देखी, वो सृष्टि करता है, वो सर्व सामर्थ्य है, वो मालिक है, ही इज द ओनर, वो निभाने वाला है, सब चीजों को वो निभाता है, ही इज द सस्टेनर, वो कलीसिया का भी सिर है, मसीह लोगों का वो सिर है, वो हेड है, और सारी वस्तुओं का, यहां तक कि अनंतता का भी वो ही। अनंतकालिक जीवन की यदि हम बात करें तो उसका भी वही प्रधान है। पुनरुत्थान की सामर्थ को इस संसार में लाने वाला, पुनरुत्थान को लाने वाला वो प्रथम है, वो प्रधान है। 19वीं आयत, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसी में सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें यानी कि यीशु में सारी परिपूर्णता वास करे, ऑल फुलनेस। पिता की सारी परिपूर्णता किसमें वास करे, प्रभु यीशु मसीह में वास करे, प्रभु यीशु मसीह में। देखो एक वचन में आपको अभी मेरे मन में ये आया, एफेसियो की पत्री निकालिए, एफेसियो की पत्री 1 अध्याय। ये वचन आप नहीं समझ पाओ कोई चिंता मत करना, पर परमेश्वर ने मुझे सिखाया था, मैं सिर्फ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। यहाँ एफेसियो की पत्री 1 अध्याय और 9वीं और 10वीं आयत, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसी में यीशु में ही सारी परिपूर्णता वास करे। देखो कई बार हम नहीं, आदि में परमेश्वर था, आदि में यीशु मसीह था, तो एक प्रश्न हमेशा हमें होता है ना, कि जब सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ है ना, आदि में यदि परमेश्वर था, जब कुछ नहीं था उसके द्वारा सब कुछ सृजा गया, जब कुछ ना रहेगा तो अंत में, एकदम अंत में जब समय समाप्त हो जाएगा, है ना, जब समय समाप्त हो जाएगा, अनंतता नहीं है ना,
इटर्निटी कभी समाप्त नहीं होती। इटर्निटी का मतलब ही है वो समय से परे है, समय में नहीं है, है ना। जहां समय आता है समय की हमेशा सीमा होती है, पर अनंतता उसकी कोई सीमा नहीं है। और परमेश्वर समय के अंदर नहीं है पर समय के बाहर है। He is infinite God, वो अनंत परमेश्वर है ना। पर समय कहीं ना कहीं पूरा होगा तो तब क्या होगा, सिर्फ ये आपके ध्यान में रहे। कभी इसके लिए ही ये वचन अचानक से मेरे मन में आया, सोचा कि आपको बता दूं। एफेसियों की पत्री 1:9-10 क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद इस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, 10 कि समयों के पूरे होने का, जब समय पूरे हो, है ना। ये मेरे आज के विषय में नहीं है पर पवित्र आत्मा ये अगुवाई कर रहा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है सब कुछ आ गया। प्यारो, परमेश्वर का सिंहासन के लेके सब कुछ, जो भी स्वर्ग में है, सब कुछ जो भी स्वर्ग में है, स्वर्गदूत, सराफिम, कैरोबिम, ऑल भी कई सारे हेवनली बीइंग, सब कुछ जो भी स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। सब कुछ कहां पर एकत्रित करे? मसीह में एकत्रित, मसीह में एकत्र करे। कब? समय के, समयों के, समय के भी नहीं, समयों के पूरे होने के, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध करे। सिर्फ आप उसको ध्यान में रखिए, इसके ऊपर मेडिटेट करना, इसके ऊपर और भी स्टडी आप कर सकते हो। हम वापिस आ जाते हैं कलीसियों, एंड उसका दूसरा पहला अध्याय और 19 क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता पास करें। किसमें? यीशु मसीह में। अभी इस वचन को समझने के लिए हम दूसरा आधार लेते हैं, उस कलीसियों का ही 2:9, ताकि ये वचन क्या कहना चाहता है, ऑल फुलनेस, सारी परिपूर्णता किसमें वास करे? प्रभु यीशु मसीह में। कलीसियों 2:9, क्योंकि उसमें यानी कि यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हालेलुया। इसकी ईश्वरत्व की, गॉड है, फॉर इन हिम dwelleth ऑल द फुलनेस ऑफ द गॉड हेड बॉडी। प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में इस संसार में अवतरित हुआ, प्रभु यीशु मसीह इन फ्लैश इन बॉडी, शरीर में प्रभु यीशु मसीह वो कौन है? ईश्वरत्व की, जो हमने बात की, इसीलिए हमने ट्रिनिटी को भी समझा था, इसीलिए हमने परमेश्वर के ईश्वरत्व के बारे में समझा था। ईश्वरत्व की, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता यदि आप किसी में देख सकते हो तो वो प्रभु यीशु मसीह है, है ना। इसीलिए कोई भी इंसान इस पृथ्वी के ऊपर, भूतकाल, वर्तमान या भविष्य में, कोई भी इंसान यीशु मसीह को इग्नोर नहीं कर सकता। यदि आप इग्नोर करते हो बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हो, है ना। सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में सदैव वास करती है। किसकी सारी परिपूर्णता? जिसको भी आप परमेश्वर कहो, नहीं, परमेश्वर सच में जो परमेश्वर है, वास्तव में जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर की, परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में सदैव वास करती है। क्योंकि इसमें, यीशु मसीह में ईश्वरत्व की, परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, ऑल फुलनेस, जो भी परमेश्वर है, जैसा भी परमेश्वर है, उसका चरित्र, उसका अधिकार, उसका सामर्थ्य, उनका ईश्वरत्व, उसका कैरेक्टर, जो भी आप परमेश्वर के बारे में बात करो, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में शरीर के रूप में है। जब प्रभु यीशु मसीह के, आप प्रभु यीशु मसीह को आप देखते हो, आप परमेश्वर को देखते हो। इसीलिए मैंने कहा, यदि कोई दावा करे, यदि कोई कहे कि मैंने परमेश्वर को देखा है या परमेश्वर को मैं देखना चाहता हूं, तो वो प्रभु यीशु मसीह ही होंगे। हालेलुया। इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक में भी, ये हम पढ़ेंगे नहीं, पर इब्रानियों 10:5, उनके लिए एक शरीर तैयार किया गया, ऐसा लिखा है ना, बलिदान के लिए एक शरीर तैयार हुआ, वो खुद परमेश्वर
शरीर के रूप में, शरीर उन्होंने धारण किया। तो गॉड इन बॉडी, गॉड बॉडीली वो प्रभु यीशु मसीह है। गॉड इन टोटालिटी, परमेश्वर अपनी संपूर्णता में, अपनी परिपूर्णता में। यदि आपको देखना है, यदि आपको जानना है, तो यीशु मसीह को देखना पड़ेगा, यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। यहाँ पर आज की बाइबल स्टडी हम समाप्त करते हैं, आगे आने वाले समय में देखेंगे। पर गॉड इन टोटालिटी, परमेश्वर परिपूर्णता में, अपने फुलनेस में, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको जो कुछ भी, ये सारी बातें हम क्यों देख रहे हैं, यदि सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृजी गई है, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, आपको किसके पास आना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आने पड़ेगा। यदि आप कहीं पे भी अकेले पड़ गए हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप सजाए गए हो, प्रभु यीशु मसीह को यदि आपने ग्रहण किया है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को आपके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। वचन ऐसा कहता है कि जब कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु मान लेता है, स्वीकार करता है कि हाँ, परमेश्वर का पुत्र, तू इस संसार में आया, मेरे पापों के लिए तूने जान दी और मेरे पाप आपने क्रूस के ऊपर ले लिए है। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास लाते हो, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो हमारे अंदर आता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जीते हैं। मसीह मुझ में, इसीलिए पौलुस भी कहता है कि मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीता है। यानी कि जब भी आपको लगे कि आप अकेले हो, प्यारो आप अकेले नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह आपके संग है और सदा के लिए है। और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, है ना, वो कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जैसे लोग इस संसार में आते हैं, जीवन जीते हैं, अच्छा या बुरा जीवन जीते हैं और समय आता है वो मृत्यु पाते हैं, वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। पर वो वास्तव में परमेश्वर है, गॉड इन बॉडी, बॉडी गॉड इन टोटालिटी इज जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर अपनी परिपूर्णता में, अपनी समर्थता में, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव जिसमें वास करती है, वो यीशु मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए। किसी भी चीज की जरूरत हो, कभी भी मायूस हो, दुखी हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिए, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस दी है कि मेरे नाम से, यानी कि यीशु मसीह के नाम से आप जो कुछ भी मांगोगे उनके पास, पिता के पास, वो आपके लिए किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके विषय में, आप कौन हो, आपके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है, हम सीखने पाए, हम समझने पाए। प्रभु अब हम जानते हैं कि सब कुछ आपके द्वारा सृजा गया है, सब कुछ आपके द्वारा स्थिर रहता है, कायम रहता है। यू आर द क्रिएटर, यू आर द ओनर ऑफ एवरीथिंग, यू आर द ऑल पावरफुल, ऑल सुप्रीम, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ओवर एवरीथिंग। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपके विषय में ये सारी बातें हम जान पाए कि आप सृष्टि करता हो, आप सारी बातों का निभाने वाले हो, सब बातों में प्रथम और सबके ऊपर अधिकार रखने वाले आप परमेश्वर हो। आप चर्च कलिशिया यानी कि हमारे आप हेड हो। हमको आपको अधीन रहना है, आपकी बातों के अधीन रहना है और सब बातों में सर्वश्रेष्ठ आप ही हो और आपके द्वारा सब कुछ है। प्रभु हमारी सहायता करें कि यदि सब बातों के सोर्स आप हो, तो जब कभी भी हमें कुछ भी जरूरत होती है, हम आपके पास आए और आपके ऊपर भरोसा रखें और आपसे, आपके नाम के द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं। प्रभु आप में जो जीवन हमने पाया है, वो भी आपकी बदौलत है। हम धन्यवाद करते हैं कि ये अच्छा जीवन आपने हमें पृथ्वी के ऊपर दिया है। प्रभु हमारी आज प्रार्थना है कि प्रभु आप में जो जीवन है, आप में जो उद्धार है, वो बातें हम लोगों तक ले जाए। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी पहचान में आप हमें बढ़ा रहे, आपके विषय में ये सारी बातें हम सीखने पाए। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, आप सुने और ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम।